मुस्तफा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीटी न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड आई एम हियर। एंड सबसे पहले तो आप बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, जैसे हमने आपको देखा है फर्स्ट मूवी में, एंड नाउ जो अब हम देख रहे हैं आपको, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। एक बिल्ड यू नो आपकी बहुत बेटर हो गई, फिजिक आपकी बेटर हो गई है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कुछ बताइए। एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरी जो फिल्म आई थी जो लास्ट ईयर मशीन, उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड वर्किंग वेरी हार्ड ऑन माई बॉडी और यू नो डांस और सब के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ मुझे बताना है, लेकिन सब करेक्ट टाइम पे मैं सारी की सारी चीज़ें खोलूंगा। कमिंग बैक टू योर डेब्यू फिल्म मशीन, जो आपकी डेब्यू फिल्म थी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होती है फॉर अ एक्टर। एक मूवी जो आपको यू नो सबसे पहले रिप्रेजेंट करे ऑडियंस के सामने। मशीन डिडंट डू दैट वेल एज इट वाज एक्सपेक्टेड, हाउ डिड यू कोप अप विद दैट, एंड यू नो हाउ डिड यू फील अबाउट इट कि अब नेक्स्ट क्या करना है, या प्लान बी अगर कोई आपका था? एक्चुअली क्या होता है ना, व्हेन यू शूट अ फिल्म एज अ फर्स्ट फिल्म, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यू नो थे नहीं, क्योंकि मैंने क्या होता है, आप अपना 100% देते हो एंड देन यू लीव एवरीथिंग ऑन द ऑडियंस एंड यू नो अदर थिंग्स। तो मुझे दुख तो हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि यू नो व्हाट ऑल कैन आई डू नेक्स्ट, व्हाट ऑल कैन आई यू नो कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट। तो मैंने यही सारी की सारी जो सारी की सारी पॉइंट्स थी वो मैंने पकड़ी, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट नाउ। नाउ दैट वी सी दैट आपने एक फिजिक बहुत अच्छी बनाई, सो आर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एक्शन हैपनिंग इन द नेक्स्ट फिल्म? एंड ऑफ कोर्स अब्बास मस्तान के यू नो जो फेमस मूवीज है वो ज़्यादातर एक्शन में रहे हैं, एंड यू नो स्पेशली रेस जो एक फिल्म है जो पर्टिकुलरली एक्शन में थी, तो वैसा कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मुस्तफा एज वेल, लाइक यू नो टेकिंग अहेड द लेगेसी ऑफ योर्स? एक्चुअली द थिंग इज, इसके अंदर सब कुछ होगा, एक्शन तो होगा ही डेफिनेटली, और उसके अलावा यू नो रोमांस भी है। एंड मैं बता दूँ कि ये जो फिल्म है अभी, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम डूइंग विथ माई डैड, तो कोई बाहर ही है जिनके साथ मैं करने वाला हूँ। सो यू नो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट राइट नाउ, बिकॉज यू नो दैट्स गोना बी अ डिफरेंट, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, तो उनके साथ तो मैं डेफिनेटली करूंगा, लेकिन इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग इन मुस्तफाज यू नो रियल लाइफ, जो रियल के अलावा जो रियल लाइफ होती है उसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, हाउ डज ही स्पेंड हिज डे, कुछ इस बारे में बताइए। मैं एक्चुअली अपना डे बहुत ही मेरा एक्चुअली बहुत ही बिजी डे होता है, सो फ्रॉम 5 AM टिल 12:30 PM I only do my physical activities, that includes my gymnastics, my dance, my workouts, and my kickboxing, dancing, every single thing. And then from then I start my day, I go to my office, I have meetings, I work with my dad as well, you know, on their scripts and everything. What about love life, jab life ki baat ho rahi hai, so what's happening in the love life? I'm loving my life, yeah. I mean, like isme koi do raha hai nahi. Okay, but talking about love life, I think you know right now main सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। दैट्स वेरी टिपिकल यू नो आंसर जो हम यस, ये हमेशा एक जवाब होता है। सो लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड आस्क यू, आर यू सिंगल, आर यू डेटिंग, व्हाट्स दैट, व्हाट्स द रिलेशनशिप स्टेटस? आई एम वेरी मच सिंगल राइट नाउ। ओके, एंड सो गर्ल्स देयर इज अ चांस यू नो मुस्तफा सिंगल available? Maybe that's a question mark. Yeah, that's a question. That's a big question mark. Mustafa, you come from a filmy background, you know. Aap bachpan se dekhte aaye hoge shootings and you know filmy set pe jana and all that stuff. So usme koi aapki ek special memory hai jo aap hamare sath share kar sakte hain? You know, jab Darar film aayi thi, ji, to main unke main uske premiere pe gaya hua tha. To wahan par jis tarah Arbaaz Khan ji ne jo काम किया था, आई थिंक आई गॉट वेरी स्केर्ड आफ्टर दैट। जब मैं बाहर निकला था, उनको मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, मैं पता है उनके पास जा ही नहीं पाया था, मैं अपने डैड के पीछे छुपा हुआ था, और दो दिन तक मैं स्कूल नहीं जा पाया था, लाइक लिटरली दैट हैपेंड। तो दैट इज़ लाइक वन फनी मेमरी यू नो दैट आई हैव फ्रॉम देन। सो टॉकिंग अबाउट द सेम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके साथ यू नो बात करते होंगे यू नो फिल्मी बैकग्राउंड से, एनीबडी हु इंस्पायर्स यू, अ सेलिब्रिटी, अ स्टार, एन एक्टर जो आपको इंस्पायर करता हो एंड यू नो शायद आपको गाइड भी करता हो फॉर यू नो एक्टिंग करियर, इज देयर एनीबडी लाइक दैट? सलमान सर ने मुझे जो बताया था कि यू नो उन्होंने मुझे अलग गाइडेंस दी थी, सो आई थिंक इट रियली हेल्प मी अ लॉट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। और तो वो तो
चलते रहेगा प्रोसेस में. बिल्कुल. और इस जो अभी के जो न्यू जनरेशन के जो एक्टर्स है उसमें से कौन है एक जो आपको यू नो यू लुक अप टू हिम और यू फील दैट ओके दिस गाय इज नाउ मेकिंग इट बिग इन बॉलीवुड, तो वो कौन होगा? आई थिंक ही इज ऑलरेडी मेड बिग इन बॉलीवुड राइट नाउ. रणवीर सिंह, आई थिंक आई रियली यू नो लुक अप टू हिम. आई थिंक ही इज गॉट सम अमेजिंग एनर्जी. वन मोर थिंग इज लाइक बीच में बहुत चर्चा थी नेपोटिज्म पे. अ लॉट ऑफ पीपल वर यू नो टॉकिंग अबाउट इट, सम वर अगेंस्ट it, some were supporting it, you know, a lot of thought. What is your thought on it? Because aapko bhi ek tarike se, you know, ye sawal pucha jata hoga because, you know, your father is a director. So that comes to you, kafi often ye pucha jata hoga. Toh aapki is pe kya rai hai? Actually, the thing is, you know, when you try doing something, okay, and when you can't do it, you often try to blame other people for it. So this is the only thing about nepotism. The thing is, you know, aap try karte ho and you know there are lots of people who are not from the film industry and they have made big. The biggest example is Shah Rukh Khan. Okay, so Mustafa, now there's a time for our game, that's Chai Ki Chuski. Chai Ki Chuski. Yes, so we'll play that quick game. फर्स्ट सिचुएशन से कभी आपके पास कोई फटी पुरानी नोट आई हो और फोल्ड करके यू नो किसी और को ऐसे पिना दी के भाई ले ले? ये आम बात है. जी जी आम बात है. कभी गलती से ऑपोजिट जेंडर के वॉशरूम में टोल वालों को देता हूँ? या बिकॉज़ दे यूजुअली डोंट चेक एंड दे लाइक क्विक क्विक क्विक. नो नॉट दैट, बिकॉज उन लोग से मुझे एक बार मिली थी बड़ी रूप से, तो उनको वापस बतला. ओके, सेकंड सिचुएशन ये है, कभी कोई ऑपोजिट जेंडर के वॉशरूम में गलती से चले गए हो एंड यू नो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया हो? दैट एक्चुअली हैपेंड वंस एट द एयरपोर्ट. ओह, बिकॉज़ आई डिडंट स्लीप, मैं सोया नहीं था रात भर. मैंने फ्लाइट ले ली थी, 6 घंटे में जगा हुआ था फ्लाइट में. मैं ऐसे ज़ॉम्बी की तरह बाहर आया और मुझे पता नहीं मैं गलती से वहाँ चला गया था, बट लकीली आई डिडंट एंटर द होल प्लेस, बट मैंने देख ली और मैं भाग गया. रियलाइज व्हेन यू केम बिकॉज़ समवन केम आउट. ऑलराइट, लेट्स नॉट स्केयर. ओके, द थर्ड सिचुएशन इज कभी यू नो इवेंट पे जाते वक्त या किसी पार्टी में जाते वक्त अपने यू नो जो वार्डरोब या आउटफिट है उसके साथ कुछ हो गया, चप्पल टूट गई, ऐसा कुछ हुआ है जो हम लोगों के साथ काफी होता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. लकी पीपल, प्रिविलेज्ड. ऐसा नहीं हुआ है. ओके, द थर्ड सिचुएशन इज जिम में तो गए लेकिन बाहर आके बर्गर सैंडविच फ्राई राइस यू नो फ्रेंच फ्राइज वो सब खा लिया एंड देन वो गिल्टी फीलिंग हो गई कि अरे अभी जिम जाके आया था. ये एक्चुअली लेट मी टॉक अबाउट इट आफ्टर बिग. यस, सो या व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लूज माय वेट फर्स्ट इनिशियल जो स्टेज था मेरा जी, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हाफ एन आवर में यू नो मैं भागा हूँ ट्रेडमिल पे, मैंने वर्कआउट किया है. आई थिंक एक बर्गर से कुछ नहीं होता. मुस्तफा, यू मस्ट हैव बीन टू मेनी प्रीमियर्स एंड यू नो मूवीज देखने के लिए आप जाते होगे, तो कभी किसी मूवी की झूठी तारीफ की है उनके डायरेक्टर्स या स्टार्स के पास? कभी नहीं. Are you sure? you can take that just because I know you have done. Aapki aise shakal mein dikh raha hai. Oh god. Nahi, actually. Nahi. You're quite honest with me. I'm very honest. You can see it on my face. I'm very absolutely honest. Absolutely. And last but not the least, local train mein Mustafa aapne travel kiya hai? Bahut baar. Yeah. बहुत बार मैंने लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया. तो कभी धक्के वक्के में? ऑफ कोर्स, लोकल ट्रेन कभी खाली कभी नहीं खाली मिलती है. तो धक्के वक्के तो ऑब्वियसली, मतलब मैंने मेरे स्टॉप्स मिस हुए कितनी बार, तो क्योंकि वो लोग मुझे बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे. सो या दैट्स लाइक such a desi life problem. Absolutely, that's like completely normal from BST buses to local trains to every single thing. That's great. Yeah. Thank you so much, Mustafa. It was lovely talking to you. बहुत मजा आपसे बात करने के लिए. And let's meet soon. And you know, you announce your new projects. Definitely, for sure. That'll be very soon. Thank you so much. Thank you. Hi everyone, this is Mustafa here, and you're watching me on BT News.